फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हिट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया शादनगर तेलकटा रोड पे, कंपनी से आते वक्त उनको मारे नहीं मालूम या उनका एक्सीडेंट हुआ नहीं मालूम। आपके भाई कैसा जा रहे थे, किस चीज़ पे जा रहे? हमारे भाई गाड़ी पे जा रहे थे, बाइक पे जा रहे थे। वहाँ पे जाने के बाद कुछ रोड पे नहीं, उनके साथ और 2 जने थे। वो 2 जने उनको क्या है, रोड पे छोड़ के भाग गए। कोई लोग जाने वाले उनको देख के हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुँचा है शादनगर। वहाँ से जो है सो लिख के दिए हमारे को, उस्मानिया को ले जाओ, उनका यहाँ ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होता वहाँ होता बोल के। 1 घंटे के बाद देखे तो हमारे को यहाँ पे ऐसा डेड हो गया बोल के बता दिए। अब इसके लिए हमारे को अच्छे से अच्छी कार्रवाई होना है, जो कार्रवाई हो पुलिस वाले, उसका CCTV रिकॉर्ड होना और जो उनके साथ थे उन लोगों को पकड़ना। हमारे को तो उन लोग पे ही डाउट है, उन लोग का मारे या क्या करे उन लोग, उसकी जिम्मेदारी हमारे को नहीं मालूम। कौन है? उनके साथ वाले है, कंपनी में काम करने वाले है, बीच अदर उनको छोड़ के भाग गए। वो लोग भी गाड़ी पे थे, 2 जने गाड़ी पे थे। उन लोग को कुछ भी हुआ नहीं मालूम। उन लोग वहाँ पे हॉस्पिटल में नहीं मिले। हमारे भाई, हमारे भावच को और उनके बच्चे को इतला मिली। मिलने के बाद वो लोग हॉस्पिटल को आए, 7:30 का टाइम था। उन लोग को वहाँ हॉस्पिटल में इनको अंडर में दे दिए। इनके दे देने के बाद वो लोग वहाँ से उस्मानिया को लेकर आए। अब उनकी गाड़ी है, गाड़ी भी कहाँ है नहीं मालूम। उनका फ़ोन भी नहीं है जेब में, और उनके जेब में कुछ पैसे थे वो भी नहीं है। खाली है उन्होंने, खाली हमारे को बॉडी हॉस्पिटल में दे दिए, दे दे के वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिए। कहाँ पर शिफ्ट करें? उस्मानिया हॉस्पिटल को शिफ्ट लिख के दे दिए। वहाँ से हम लोग यहाँ आए। अब साल से काम कर रहे हैं उन्होंने वहाँ पे 15 साल तो हो गए लगभग। पहले कहाँ थी कंपनी? पहले कंपनी नहीं, उन्होंने यहाँ से शिफ्ट हुए वहाँ पे शादनगर में। शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे वहाँ उनको ड्यूटी मिली, वहाँ पे उन्होंने 15 साल से ड्यूटी कर रहे, 10 से 15 साल हो गए उनको वहाँ पे। एज इनकी 42। शेख अब्दुल अलीम था। आपको क्या शक है या एक्सीडेंट है? नहीं, हाँ हमारे को शक है या कोई मारे या तो एक्सीडेंट है, हमारे को प्रूफ होना उसके लिए। हैदराबाद ये कंप्लेंट भी नहीं हुआ हमारे को, सिर्फ बॉडी हॉस्पिटल में मिली। हॉस्पिटल से हम लोग उनको लेकर आए, यहाँ तक लेकर आए। यहाँ लाने के बाद 1 घंटा भी नहीं हुआ, उसके बाद इनका डेड हो गया बोल के बता दिया हमारे। हाँ डिक्लेयर कर दिए वो लोग। और पुलिस, हैदराबाद पुलिस, जो भी पुलिस है, पुलिस कमिश्नर है, हमारे को इसके बारे में पूरी डिटेल होना और सख्त कार्रवाई करना। उनके साथ जो जो था वो लोग भी शामिल है, नहीं है क्या हुआ, पूरी हमारे को तहकीक होना बस। अब तक कोई पुलिस वाले नहीं आए? अभी तक कौन भी नहीं आए, कुछ भी नहीं आए, यहाँ पे सब पूछे हम लोग। डेथ हो गया कितना टाइम हो गया? अभी 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से कोई पुलिस वाले नहीं? कौन भी नहीं आए। हम लोग पूछे कहाँ कंप्लेंट करना, क्या करना, बोलते अंदर के जो दवाखाने में जो है लोग बताए। कौन से दवाखाने वाले? उस्मानिया हॉस्पिटल में हमारे को बोले ये कंप्लेंट हम लिख के देते हैं, वहाँ पे कंप्लेंट हो जाता है शादनगर को। वहाँ से पुलिस वाले आते, आने के बाद यहाँ पे तुम्हारे को लोग इंक्वायरी करने के बाद यहाँ पे आपको बॉडी 12 से 1 बजे देते पोस्टमार्टम करके। नहीं करे साहब, हमारे को कुछ भी नहीं मालूम। पहला हमारे साथ ये हादसा हुआ, अभी तक हमारे कहीं यह हादसा नहीं हुआ। हमारे को साइबराबाद पुलिस, होम मिनिस्टर साहब, KTR साहब, PCR साहब से ये उम्मीद है, और शादनगर पुलिस, ये लोग सब हमारे को मिल के मदद करे इसमें। और ये जो उनके साथ 2 लोग थे वो लोग भी भाग गए, लोग पे हमारे को डाउट है। अगर ये लोग मार के भागे तो इन लोग नहीं भागना था। अगर ये लोग CCTV फुटेज वगैरह में सब पुलिस वाले चेक करके हमारे को प्रूफ देना एक्सीडेंट है, हमारे को कुछ भी नहीं मालूम, इसके बारे में हमारे को जल्द से जल्द कार्रवाई करके देना। मेरा नाम अब्दुल करीम है, मैं शादनगर से इधर आया। मेरा अंकल का एक्सीडेंट हुआ, 3 जनों थे, 3 जनों थे, एक थे 3 जन गाड़ी पे थे। कहाँ पर हुआ एड्रेस? एलकटा, शादनगर एलकटा, वहाँ एक्सीडेंट हुआ, 3 जनों थे गाड़ी पे। मेरे अंकल को छोड़ दिए, दोनों चल गए वहाँ से, दोनों भाग गए। उनको दवाखाने में ला के फ़ोन करे उनके नंबर पे, शादनगर में गोना में हॉस्पिटल में ला के शरीक कर दिए। शरीक करवा था, उनको फ़ोन आया, शेख अलीम है उनका। उनको फ़ोन आया उनके वाइफ को फ़ोन आया, आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ गोना में है बोल के।
आए तो हम लोग क्या करते, काम करते वेल्डिंग कंपनी में, शिक कंपनी है, लेट कंपनी है, दो साल से करते, दो साल से करते डेली की रोटी की। हाँ डेली की, दोस्तों के साथ ही जाते थे। दोस्तों के साथ आना जाना डेली करते थे। कितने दोस्तों के साथ दोस्त जाते थे, अकेले को छोड़ देते थे, फिर और आते थे, अकेले को छोड़ के घर पे आते थे सीधा। एक्सीडेंट हुआ तो जो दोनों थे ना, एक लाके दवाखाने में शरीक कर देगी चलगा, वहाँ से शरीक कर देगी चलगा, फिर उनको फोन आया, घर पे आया, फोन आया तो दवाखाने को भाग गए। अंकल की एज क्या थी? अंकल की एज 40 रहती, 40। हाँ 40 रहती। कहाँ पर रहते थे? शादनगर पैराडाइज में। हाँ पैराडाइज में रहते। फिर आप क्या बोले, डॉक्टर्स क्या बोले? डॉक्टर बोले वो डेड हो गई। कहाँ पर बोले डेड हो गई? यहीं बोले अभी, उस्मानिया दवाखाना। हाँ उस्मानिया दवाखाने में डेड हो गई बोले। आप लोगों को शक है क्या किसी के ऊपर? हाँ दोनों के ऊपर है हमको शक। कौन दोनों? जो मेरे अंकल के साथ थे उन दोनों के ऊपर शक है हमको। वो लोग नहीं आए यहाँ पर? नहीं आए, दोनों भी नहीं आए। मतलब वहीं से शादनगर में चलो। कंप्लेंट कराए पुलिस? कंप्लेंट कराए आप लोग? हाँ कराए। कहाँ पर कराए? यहीं कराए उस्मानिया दवाखाना। क्या बोले, पुलिस वाले आए? नहीं आए पुलिस वाले, कुछ भी एक्शन नहीं है। वहाँ दो लोग थे, दो लोगों में लोग हमको प्रूफ होना फोन, हमको तो डाउट है, दो जनों मार के छोड़े सो, उनको सर पे मार लगा बहुत। आपको डाउट है या हमको डाउट है? हमारे पूरे फैमिली को, हमारे पूरे फैमिली को डाउट है। सुनो अंकल के दोस्तों, अंकल के दो दोस्त हैं गाड़ी पे आते जाते, इन लोगों के ऊपर डाउट है हमको। पुलिस वालों को बोले आप ये बात? नहीं बोले। अभी बोलना ना फिर पुलिस वालों को। हम लोग बोले कार्रवाई करो जल्द से जल्द, बोल के बोले। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे Thank you.